घर में तो हम तीन लड़की थी, सब लोग ऐसे बोलते थे कि लड़की कुछ नहीं कर सकते। बचपन से मतलब मम्मी ऐसे सिखाते थे कि हमें मतलब बड़े होके कुछ करना होगा। संडे के दिन पापा पेपर में मिठाई पैकिंग करके लाया था, पेपर में मोहम्मद अली के बारे में थोड़ा सा लिखा था, तो पापा ने पहली बार मोहम्मद अली के बारे में वो स्टोरी बताया था, तभी पहली बार मतलब बॉक्सिंग के बारे में जानी थी। लवलीना बोरगोइन की कहानी जीते जागते संघर्ष की कहानी है। अगर स्ट्रगल कोई इंसान बनकर पैदा होती तो जरूर 2 अक्टूबर 1997 को गोलाघाट असम के गांव बारो मुखिया में टिकेन और ममोनी के घर पैदा होती। 1300 रुपया मुझे तनख्वाह मिलता था, हम तो मैनेज नहीं कर पाते। शुरुआत में वो खेलते थे, ट्रैक सूट भी नहीं थी। लवलीना ने एक दिन भी मुझे कंप्लेन नहीं किया, मुझे ये चाहिए बोल के ये मुझे लाके दो। जल्द ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नवी कक्षा में ही लवलीना की दक्षता का अंदाजा लगाकर उसे परंपरागत करने का बीड़ा उठाया। हमारे उधर में मार्शल आर्ट का मैं ही थी, तो मुझे देखा सर ने और मुझे गुवाहाटी के लिए सिलेक्ट किया। साय के लिए लवलीना के अंदर में डर ज्यादा था, वो डर हटाने के लिए टाइम लगा। इतना लंबा हाथ है लेकिन इतना खुलती थी, मतलब आधा खुलती थी। इस साय द्वारा शुरुआती अभ्यास के दौरान ही अच्छी कोचिंग मिलने से लवलीना की योग्यता में काफी तेजी से सुधार आया। अब कुछ बाकी था तो उनके अंदर जीतने की भूख। एशियन चैंपियनशिप के लिए पहली बार मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा, इंडिया ओपन में गोल्ड मेडल था, तो उसको देखकर मुझे कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्ट किया था। लेकिन कॉमनवेल्थ में मतलब जितना मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना था उतना मैं नहीं दे पाई, मेंटली मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं थी। उसके बाद ही मतलब 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया, फिर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन इन सभी मुकाबलों में लवलीना को कभी सिल्वर तो कभी ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। पर अब लवलीना की एक ही जिद है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करना। नेशनल जो मेडल होते हैं वहाँ का गोल्ड मेडल होने से भी लोग भूल सकते हैं, लेकिन ओलंपिक मेडल ऐसा होता है कि उसको मिलने के बाद कोई भूल ही नहीं सकता है उसको। तो मैं यही कोशिश रहेगा कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लूँ। I this my correction and I work for this methodology. Now step by step is better. I am happy for your work. इतना बड़ा कंपटीशन है, हर तरफ से परफेक्ट होके जाना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ा सा इनसाइड खेलने की भी कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी तो ऐसा बॉक्सर आ सकता है जिसके साथ मैं इनसाइड खेलना पड़ेगा। स्टॉप्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, कोचेस हमारा इतने अच्छा है कि सब हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। लवलीना बोरगोइन की शख्सियत हिंदुस्तान के उन 60 करोड़ युवाओं के लिए एक आदर्श है जो पूरी दुनिया का परिचय नए भारत से यानी यंग इंडिया से करवा रहे हैं। अपनी इसी फाइटिंग स्पिरिट और नेवर से नेवर एटीट्यूड को लेकर लवलीना बोरगोइन अब रिंग में उतरने जा रही हैं, अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीतने और बनने 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। बॉक्सिंग में अभी तक गोल्ड मेडल नहीं लगा है ओलंपिक में, अगर मैं बन पाऊंगी तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होंगे और मेरे फैमिली के लिए भी और मेरे देश के लिए भी।